हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ ब्रायोफाइटा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईली एडवांस ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूनेरिया। रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा, गैमा, बल्बिल्स एंड अपोस्पोरी। इसके बाद हमने पढ़ लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर लगते हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। और ये बताया था कि जो मेल ब्रांच होती है और फीमेल ब्रांच होती है, मेल ब्रांच के ऊपर एंथेरिडिया लगते हैं और इसमें पैराफाइसिस हेयर्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि यहाँ पे पेरीगोनियल लीफ प्रेजेंट होती हैं, जबकि फीमेल पार्ट जो होता है उसमें पेरीकीटियल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब आर्किगोनिया से एग का फॉर्मेशन होता है, एंथेराजॉइड का फॉर्मेशन एंथेरिडिया से होता है, और दे विल फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। यहाँ जाइगोट बनने तक की जो प्रक्रिया है इसको हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ने जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट एंड फ्यूनेरिया। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक ऊ स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊ स्पोर विच हैज़ ए थिक वॉल, लेकिन ये सारा का सारा जो सिस्टम है इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंटर पार्ट ऑफ द आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया में जो वेंटर पार्ट में ऊ स्पोर पड़ा हुआ है, इसमें सबसे पहला डिवीजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स बनती हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल, लाइक दिस। यहाँ देखिए, ये एपिबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो हाइपोबेसल सेल होती है इसमें भी डायगोनल डिवीजन्स होते हैं और लोअर एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी देखिए डायगोनल डिवीजन हुआ, अपर सेल में डायगोनल डिवीजन हुआ, नहीं लोअर सेल में डायगोनल डिवीजन हुआ, अपर सेल की तरफ भी एक एपिकल सेल बनेगी और लोअर सेल की तरफ भी एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन होगा। ये आगे की तरफ डिवाइड होते होते मींस दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये आगे की तरफ डिवाइड होते होते फुट का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं ऊपर वाला पोर्शन। अच्छा, पोर्शन हमारे बनने कैसे हैं? हमारा पोर्शन जो फाइनल बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है भाई। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि यहाँ वाला जो फुट है इसका फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब ये अपर एपिकल सेल है, ये लगातार डिवाइड होती जाती है, तो ये यहाँ से सीटा का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। तो अब ये जो सीटा है, जब ये डेवलप होता चला जाएगा तो इसके बाद यहाँ जो पोर्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड कैप्स्यूल। अब ये जो कैप्सूल है इसका फॉर्मेशन होना है, तो हमने क्या कहा, सीटा, और सीटा की जो अपर मोस्ट सेल है ये अपर मोस्ट सेल में अब डिविजन्स होंगे, और यहाँ जो डिविजन्स होते हैं उसके बाद आगे की तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी पोर्शन, ये जो बाहर की तरफ की लेयर रहती है यहाँ पे, इनिशियली हमको ऐसा सा दिखाई देता है, ये वास्तव में कैलिप्ट्रा, ये किसका पार्ट है, ये उस आर्किगोनिया का ही पार्ट होता है जिसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस कैप्स्यूल के बारे में कि इसका फॉर्मेशन अब कैसे होगा। तो यहाँ की जो अपर मोस्ट सेल होती हैं, दीज अपर मोस्ट सेल विल डेवलप कैप्स्यूल। अब ये जो अपर मोस्ट सेल होती है, इस सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है और लगातार इस तरह से डिवीजन होता चला जाता है। जब ये डिवीजन होता चला जाता है तो फोर सेल की क्वाड्रेंट एम्ब्रियो स्टेज बन जाती है, जिसमें कि आउटर सेल को एम्फीथीसियम और इनर सेल को एंडोथीसियम कहते हैं, ठीक है। अब एम्फीथीसियम में एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं जिससे एट आउटर सेल्स बन जाती हैं, और एंडोथीसियम में भी फोर ऑब्लिक डिविजन्स होते हैं हर सेल में एक होने के साथ। तो दो डिविजन्स होने के बाद एक आउटर और एक इनर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इनर लेयर है इट विल डेवलप कॉलुमेला, और जो आउटर लेयर है उसमें 16 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दे विल डेवलप आर्किस्पोरियम। 16 इनर सेल्स, दे विल डेवलप स्पोर सैक, मियोसिस होगा, इसमें स्पोर्स बनेंगे। यहाँ जो आउटर सेल्स होती हैं कोसेंट्रिक
बैनर से इसमें डिवीजन होता है। ग्लोबल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे फंडामेंटल स्क्वायर मेथड कहा। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और 8 रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिंग्स जो होती हैं ये लगातार बनती चली जाती हैं, 5 रिंग तक की स्टेज बनती है और 32 सेल्स की रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको समझाया, उसको समझने के लिए आपको 2 बार उस पेज को ढंग से देखना होगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग लगता है और आप बुक से देखते हैं तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। इसी चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि अब आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि उस स्पोर है, उस स्पोर में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद यहाँ पर 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, एपिबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल। दोनों ही सेल्स के अंदर ऑब्लिक डिविजन्स हुए और ऑब्लिक डिविजन होने के कारण ऊपर की तरफ भी एक एपिकल सेल और नीचे की तरफ भी एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो गया। बीच की सेल भी रेगुलर ग्रोथ कर रही हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ बीच की जो सेल्स होती हैं जब वो डेवलप होती चली जाती हैं तो दे विल डेवलप ए क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, और क्वाड्रेंट एम्ब्रियो के बाद भी यहाँ डिवीजन होता चला जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेंट एम्ब्रियो है यहाँ पर एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइन 1 2 3 4 इसके अंदर हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जब होगा तो ये इस पेरीफेरी को लेते हुए होगा, यानी कि यहाँ इस तरह से डिवीजन होगा। तो यहाँ इस तरह का डिवीजन हो गया जिससे 4 आउटर एम्फीथीसियम सेल और इनर एंडोथीसियम सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो आउटर एम्फीथीसियम सेल होती हैं शुरू में 1 2 3 4 ही बनी थी, अब इनके अंदर दोबारा एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाने के कारण यहाँ पर बन जाती हैं 8 आउटर सेल जिन्हें कि हम एम्फीथीसियम कहते हैं, और अंदर की तरफ बन जाती हैं 4 इनर सेल्स। अब देखिए आप, एंडोथीसियम है और इसके चारों तरफ एम्फीथीसियम है, बाहर की तरफ जो सेफ्टी पर्पज से बना हुआ होता है कैलिप्ट्रा वो लगा हुआ रहता है। मैंने आपको चार्ट में समझाया कि नीचे की तरफ फुट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऊपर की तरफ कैलिप्ट्रा है जो कि इसको सुरक्षा देने का काम कर रहा है, और अभी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, सीटा बनना शुरू हुआ है। आप देख रही हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैप्सूल अभी नहीं बना है। कैप्सूल का फॉर्मेशन एक अलग प्रोसेस है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द कैप्सूल कैसे होगा। जो एंडोथीसियल सेल हमने पढ़ी थी उस एंडोथीसियम सेल के अंदर डिविजन्स होते हैं, ऑब्लिक डिविजन्स हो जाते हैं, और बाहर की तरफ देखिए एम्फीथीसियम सेल से अंदर की तरफ एंडोथीसियम सेल है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। रिंग्स का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट रिंग का फॉर्मेशन होता है, पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं इसके अंदर, और यहाँ एंडोथीसियम ऐसी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ एक रिंग कट गई, इसको हम फर्स्ट रिंग का फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप, इस फर्स्ट रिंग में के कटने के बाद यहाँ ऑब्लिक डिविजन्स हुए हैं, दीज आर द ऑब्लिक डिविजन्स। इन ऑब्लिक डिविजन्स होने के बाद यहाँ बन जाती है सेकेंड रिंग। तो जो सेकेंड रिंग बन जाती है उस सेकेंड रिंग के बनने तक आउटर एंडोथीसियम सेल्स और सेंट्रल एंडोथीसियम सेल और इनर एंडोथीसियल सेल ऐसे तो फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से लगातार पेरिक्लाइनल डिवीजन होते जाते हैं, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, ऐसे इनका फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ रिंग तक ये कटते चले जाते हैं और फिफ्थ रिंग तक कटने के बाद यहीं से ही कॉल्यूमेला, स्पोर सैक, आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। तो ये स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और गोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे फंडामेंटल स्क्वायर मेथड का के द्वारा होने वाले कट को बताया था। अगर वो जो अभी हम ये रिंग दिखा रहे थे उसके बाद होने वाला डेवलपमेंट में हम देखें तो मिड में हमें दिखाई देता है कॉल्यूमेला, सेकेंड नंबर पर आर्किस्पोरियम, देन एयर सैक और इसके बीच में ट्यूबरकुलई, ट्यूबरकुलर के साथ ही बाहर की तरफ लगी हुई होती है वॉल। सो द फर्स्ट पोर्शन इज एपोफाइसिस। एपोफाइसिस इज द बेसल स्टराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच फॉर्म्स ए कनेक्शन बिटवीन द सीटा एंड इट हैज स्टोमेटा, बिटवीन द सीटा एंड द कैप्सूल इट हैज स्टोमेटा, क्लोरोफिल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज, एंड इट इज नोन एज द एपोफाइसिस। देन सेकेंड वन इज द फर्टाइल थीका। फर्टाइल थीका इज अ मिड पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट विद फर्टाइल सेल्स एंड इट इज नोन एज द फर्टाइल थीका। इट हैज वेरियस पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्यूमेला। सो इन कॉल्यूमेला ए सेंट्रल पेरेन्काइमेटस सॉलिड स्टराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर इज नोन एज द कॉल्यूमेला। नेक्स्ट वन इज स्पोर सैक। द कॉल्यूमेला इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय टू स्पोर सैक प्रोटेक्टेड
इन 2 to 4 लेयर्ड वॉल्स द स्पोर सैक्स आर पैक्ड विद मैनी स्पोर मदर सेल्स विच फॉर्म्स द स्पोर्स आफ्टर मियोसिस देन लेटर्स आर एबसेंट इन द फ्यूनेरिया. नेक्स्ट वन इज एयर चैम्बर्स. एलोंगेटेड ग्रीन पेरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्म्स द ट्यूबरक्यूले विच एक्सटेंडेड फॉर्म्स ए आउटर वॉल ऑफ द स्पोर सैक टू इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल. द एयर चैम्बर्स बिटवीन द ट्यूबरक्यूले आर नोन एज लेक्यूना. One is capsule wall, completely compactly arranged outermost epidermis followed by the 2 to 3 layers hypodermis of the colorless cells and next 2 to 3 layers of the chlorophyllous cells forms the protective capsule wall. So next wall is hypodermis. Next one is operculum. ये portion जो है this is it is a conical lid that closes the mouth of the capsule. One is annulus. The lower part of the operculum cap forms a ring of thin walled large cells which is known as the annulus. It helps in dehiscence of the capsule. ठीक है, मैंने आपको अभी डायग्राम में भी इसको समझा देंगे हम. Then peristome teeth. Peristome teeth underneath the operculum and operculum के अंदर की तरफ होते हैं. It has 2 ring of the long curved 16-16 double layered 32 teeth. दो लेयर्स में 16-16 लेयर्स में 32 टीथ लगे हुए होते हैं. द टीथ आर स्ट्राइप्ड ऑफ द क्यूटिकल्स. असल में टीथ जो हैं वो क्या हैं, क्यूटिकल के बने हुए होते हैं. अब मैंने आपको बताया 16-16 की दो लेयर्स होती हैं, तो जो आउटर रिंग होती है इट हैज़ थिक लार्ज एंड रेड कलर टीथ वेयर एज इनर रिंग हैज़ स्मॉल कलरलेस डेलिकेट टीथ विच डोंट शो hydroscopic movement like outer peristomic teeth. Then peristome teeth guarding the mouth of the theca that shows the rate of the spore discharge during the dehiscence. ठीक है, ये peristome teeth जो होते हैं ये spores के dehiscence में help करते हैं. The outer peristome teeth are characterized by transverse thickening band that responds to the changes in humidity. ठीक है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ह्यूमिडिटी के दौरान उस ह्यूमिडिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और ये इस कैप्सूल के डाइसेंस में हेल्पफुल होते हैं. जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे बहुत ही इजी हो गया है अब ये समझना कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल की स्ट्रक्चर कैसी है. देखिए, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में सबसे नीचे की तरफ होगा फुट और जो फुट पोर्शन होता है वो पोर्शन इसको स्टेम में धसे रहने में हेल्प करता है. देन सेकंड वन इज सीटा. सीटा की सेल्स जो हैं वो लगातार डिवाइड होती चली जाती हैं और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं. देन नेक्स्ट वन इज एपोफाइसिस. जो एपोफाइसिस पोर्शन होता है, देखिए ये सीटा से डिफरेंट है, इट हैज़ स्टोमेटा और ये जो एपोफाइसिस पोर्शन है इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस कैप्स्यूल एंड दिस सीटा. तो ये पोर्शन जो है दिस इज एपोफाइसिस. अब हम कैप्स्यूल की तरफ चलते हैं. कैप्स्यूल में आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन सेकेंड लेयर इज हाइपोडर्मिस और अंदर की तरफ हम जाते हैं देन इट इज़ द अनदर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज इनर हाइपोडर्मिस और इनर हाइपोडर्मिस के बाद जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ए सीरियड मैनर और इनके बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं. ये जो सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं दे आर नोन एज ट्यूबरक्यूले और इसके बीच में जो गैप प्रेजेंट हैं दीज गैप्स आर नोन एज लेक्यूने. ओके, तो जो ट्यूबरक्यूले हैं उनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट है और इन्हें हम लेक्यूने या एयर स्पेस कहते हैं. ठीक है, ये बड़े बड़े जो एयर स्पेस है इसको हम लेक्यूने या एयर स्पेस कहते हैं. अब इसके अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो अंदर की तरफ यहाँ हमें मिलता है स्पोर सैक. दिस वन डॉटेड लाइन, दिस इज स्पोर सैक और जो स्पोर सैक है ये इस तरह से अरेंज होता है कि सेम अरेंजमेंट अपर लेयर पे और सेम अरेंजमेंट लोअर लेयर पे है. तो यानी बीच वाला जो पोर्शन है इट इज़ नोन एज द कॉल्यूमेला. कॉल्यूमेला इज़ ए पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, स्टेराइल स्ट्रक्चर और ये कॉल्यूमेला के दोनों तरफ ही फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर स्पोर सैक और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कॉल्यूमेला को घेरे हुए रहती हैं. अब हमने आज के पढ़ा अपर पोर्शन. अपर पोर्शन में हमने आपको बताया कि इट हैज़ ऑपरकुलम. ऑपरकुलम खुलने में हेल्प करता है. देन इट हैज़
एनलस, एनलस जो होती हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो रिम के अंदर धंसी हुई रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी बर्नी का ढक्कन ऊपर से बंद करते हैं, तो उसमें ढक्कन में भी रिंग्स होती हैं और बर्नी के ऊपर भी रिंग्स होती हैं, और वो रिंग्स आपस में फंसती हैं तो वो बंद हो जाता है, अगर वो अपोजिट खुल जाती हैं तो वो खुल जाता है। सिमिलरली यहाँ एनलस और ये जो रिम है ये दोनों की रिंग्स आपस में एक दूसरे में लगी हुई रहती हैं। देन इट हैज़ पेरिस्टोम, पेरिस्टोम टीथ होते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि 16 की रिंग के दो जगह टीथ लगे हुए होते हैं, जो आउटर टीथ होते हैं और इनर टीथ होते हैं। आउटर टीथ आर स्ट्रॉन्ग टीथ, इनर टीथ जो होते हैं दे आर डेलिकेट टीथ्स, ठीक है। इस डायग्राम में दिखाया गया है आपके यहाँ पर प्लांट है, राइजोइड्स हैं, लीफ हैं, और इसके बीच में यहाँ फुट से अंदर की तरफ धंसा हुआ एरिया है और ऊपर की तरफ निकला हुआ है पोर्शन जिसे हम कह रहे हैं सीटा। सीटा के ऊपर लगा हुआ है कैप्सूल, कैप्सूल के आपके इनर पार्ट आपने पढ़े, सबसे बाहर की लेयर आपने पढ़ी एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन स्पोर्स सैक, देन कॉल्यूमेला, ऊपर और नीचे सेम टाइप का है। इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरकुले और ट्यूबरकुले के बीच में प्रेजेंट होते हैं एयर स्पेसेस। इसके बाद हमने अब पढ़ने जा रहे हैं कि ये खुलता कैसे है। अब ये खुलता कैसे कि जब डाइसेंस इसका हो रहा होता है, ये पेरिस्टोम टीथ के थ्रू होता है। पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे सबसे पहले तो जो ऑपरकुलम है, ढक्कन है इसका, वो हट जाता है। इसके भी ऊपर एक एलिप्टर लगा हुआ था, अब ये ढक्कन जो है ऑपरकुलम ये हट जाता है। इसके हटने के बाद क्या होता है, पेरिस्टोम टीथ जैसे हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं ऐसे गोल गोल घूमना शुरू होते हैं, खुलना शुरू होते हैं। और ये जो खुलते हैं ये कैसे खुलते हैं ये देखिए, आउटर पेरिस्टोमियम टीथ और इनर पेरिस्टोमियम टीथ। मैंने भी आपको बताया कि इनर पेरिस्टोम टीथ आर डेलिकेट इन नेचर, लेकिन जो आउटर पेरिस्टोमियम टीथ होते हैं दे हैव थिकनिंग्स। तो ये थिकनिंग्स, दीज थिकनिंग्स आर हाइड्रोस्कोपिक थिकनिंग्स, और ये क्या करती है बाहर की नमी को सोख लेती हैं। इनके सोखने से ये मूव करने लगते हैं, मूव करते हैं तो ये जैसे ढक्कन खुलता है इस तरह से ये खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पेरिस्टोमियम टीथ लगे हुए हैं ये बड़े वाले, और ये छोटे छोटे वाले पेरिस्टोमियम टीथ लगे हुए हैं, तो जो छोटे वाले हैं वो इनर पेरिस्टोमियम टीथ कहलाते हैं और जो बाहर की तरफ हैं वो आउटर पेरिस्टोमियम टीथ कहलाते हैं। तो ऐसा होने से जब ये ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग मतलब जस्ट लाइक बॉटल का ढक्कन खुलता है आपस में, तो बिल्कुल इसी तरह की जब ट्विस्टिंग होती है तो उस ट्विस्टिंग से क्या होता है कि ये जो कैप्सूल है इसमें एक जर्क लगना शुरू होता है, और इस जर्क लगने के साथ ही जो स्पोर्स हैं वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं, और स्पोर्स खुलने के बाद स्पोर्स स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये रिम है और ये एनल्स है। अब ये एनल्स और रिंग जो है ये आपस में बंधे हुए हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये खुलता है और खुल करके ये ढक्कन की तरह एक दूसरे से अलग हो जाता है, और ऐसा होने पर स्पोर्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। स्टडी अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। इसका जो स्पोर होता है 0.02 mm से लेकर 0.20 mm तक का हो सकता है, और ये जो स्पोर्स हैं दे आर यूनि न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है इनमें, दे हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ही समय तक जो सुप्तावस्था है उसमें पड़े रहते हैं, और उसके बाद ये जो स्पोर्स हैं इन स्पोर्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। पहले एक जर्म ट्यूब निकलती है, जर्म ट्यूब निकलने के बाद इट विल डेवलप ए प्रोटोनिमा, यहाँ से प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेल्स डिवाइड होती चली जाती हैं, और सेल्स दोनों प्लेन्स पर डिवाइड होती हैं। अपर प्लेन पर डिवाइड होने वाली सेल्स होती हैं दे हैव क्लोरोफिल, और जो लोअर प्लेन पर डिवाइड होने वाली सेल्स होती हैं दे डोंट हैव क्लोरोफिल। तो राइजोइड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है, राइजोइड्स आर मल्टी सेल्युलर, they have oblique septa between them, और जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है या मैं कहूँ कि क्लोरोनिमल ब्रांच जो होती है, इस क्लोरोनिमल ब्रांच में बड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बड्स और बड्स प्राइमोडिया मिलकर के यहाँ लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया, जिसमें कि प्रेजेंट है राइजोइड्स, इसमें प्रेजेंट है लीफ मेन एक्सिस, और मेल और फीमेल ब्रांच। जो मेल ब्रांच है इट हैज़ पैराफाइसिस, इट हैज़ पेरिगोनियल लीव्स, और इट हैज़ एंथेरिडियम्स,
ओके. एंथेरिडियम जो है इसके अंदर डेवलप होते हैं एंथेराजॉइड. एंथेराजॉइड इज ए बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर. जो फीमेल ब्रांच है यहाँ पर प्रेजेंट है पेरिगोनियल सेल्स. जो फीमेल ब्रांच है यहाँ पर प्रेजेंट है पेरिकीटियल सेल्स और इसके बीच में लगी हुई हैं आर्किगोनिया. आर्किगोनिया में प्रेजेंट है वेंटर नेक और ऊपर की तरफ प्रेजेंट है कवर सेल. यहाँ एग प्रेजेंट है. एग और एंथेराजॉइड का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. आपको यहाँ पर मैंने बताया स्प्लैश कप मेथड से फर्टिलाइजेशन होता है. स्प्लैश कप मेथड से क्या होता है, स्प्लैश कप मेथड से ये होता है कि यहाँ की जो पेरिगोनियल सेल्स लीव्स होती हैं दे विल डेवलप ए काइंड ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर. तो जैसे ही पानी की बूंद यहाँ गिरती है छपाक से सारे के सारे स्पोर्ट्स बाहर गिरते हैं और बाहर गिर करके ये अपनी जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर पहुँच जाते हैं. तो इसके बाद हमने इसमें पढ़ा जाइगोट का फॉर्मेशन. जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट. ये आपने देखा इसका स्पोरोफाइट जिसमें प्रेजेंट होता है फूड सीटा और कैप्सूल. यहाँ पर आपने पढ़ा कि डाइसेंस जो होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है इसका. फिर हमने पढ़ा यहाँ स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, स्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स बन गए. स्पोर्स होने के बाद इसका डाइसेंस हो गया. स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, दे विल डेवलप ए प्रोटोनिमा. और प्रोटोनिमा डेवलप होने के बाद ऊपर की तरफ लीफी बड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से लीफ का फॉर्मेशन और नीचे की तरफ राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से एक नए एडल्ट प्लांट का डेवलपमेंट होता है. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.